हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन से इज क्यूटेलम इज अ ऑप्शन वन फूड स्टोरिंग हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन ग्रास एम्ब्रियो ऑप्शन टू रेमिनेंट ऑफ कॉटिलिडन इन मेज ऑप्शन थ्री शील्ड शेप्ड एंड लार्ज कॉटिलिडन ऑफ ग्रासेस ऑप्शन फोर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्लूम्यूल इन ग्रासेस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्यूटेलम क्या होता है हमारे पास फोर ऑप्शन है हमें हम इन इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हमारा यहाँ पर उूटेलम तो स्क्यूटेलम प्रेजेंट होता है इन द मोनोकॉट सीड्स यानी कि स्क्यूटेलम प्रेजेंट होता है इन ग्रासेस मेजरली अब जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है सिंगल कॉटिलिडन मोनोकॉट सीड्स में जो कॉटिलिडन होता है वो शील्ड शेप्ड होता है इट इज शील शेप्ड कॉटिलिडन और इस शील शेप्ड कॉटिलिडन को हम क्या बोलते हैं इट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम अब मोनोकॉर्ड सीड में हम स्क्यूटेलम को अगर ऑब्जर्व करें तो दिस रीजन हेयर इज स्क्यूटेलम मोनोकॉर्ड सीड में और क्या प्रेजेंट होता है एक फूड स्टोरिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और इस फूड स्टोरिंग टिश्यू को हम कहते हैं एंडो स्पर्म। अब की अगर हम बात करें तो मोनोकॉड सीड में जो रीजन शूट को गिव राइज करता है, उसे हम कहते हैं प्लूम्यूल और प्लूम्यूल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कहते हैं कोलियोटाइल जो रीजन रूट सिस्टम को राइज करता है उसे हम कहते हैं रेडिकल और रेडिकल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इट इज कोलियोराइजा। अब एंडोस्पर्म के आसपास क्या प्रेजेंट होता है प्रोटीनेशियस सेल्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है इसे हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर तो हमारे पास अब जो ऑप्शंस प्रेजेंट है इन ऑप्शंस में से हम क्या बोल सकते हैं कि स्क्यूटेलम क्या है एक शील्ड शेप्ड लार्ज कॉर्टिलिडन ऑफ ग्रासेस ऑप्शन वन यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज क्यूटेलम एक स्ट्रक्चर नहीं है इन द ग्रास होता है एक स्ट्रक्चर. टू भी हाँ पर होगा को, इन को हम क्या बोलते हैं इट इज कॉल्ड एपीब्लास्ट जिसे हम रूडिमेंट्री कॉर्टिलिडन भी बोलते हैं ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑप्शन फोर भी रॉन्ग होगा बिकॉज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ इन ग्रासेस को हम बोलते हैं कोलियोपटाइन ना कि स्क्यूटेलम हमारा इस क्वेश्चन में फाइनल और करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री आई होप यू अंडरस्टुड इट बेस्ट ऑफ लक